पता चला कि डिलीवरी हो चुकी है और वहां जो नन्ही सी जान है इस दुनिया में है। डॉक्टर के पास आ गए हैं जी, और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए। वो तो कह रहे थे कि थोड़ा दिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो करिए, लेकिन मम्मी और दीदी दोनों बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कहा कि देखिए जैसा भी हो अब आप फाइनल बता दीजिए, आप ज़्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप अल्ट्रासाउंड जा करके करवाओ, देखेंगे कि पानी कैसा है, सब कुछ पोजीशन कैसा है। वो सब कुछ करवा करके आए, फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आप ज़्यादा वेट नहीं करिए, वेट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कारण इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो अल्ट्रासाउंड तो करवाया, उसके बाद फैसला हुआ है कि ऑपरेशन अब होगा, तो वह या तो आज होगा या कल होगा। जी हाँ, अब वह मोमेंट फाइनली आ चुका है। तो हमने अपना ब्लड दे दिया और दूसरी जगह आया दूसरा रिपोर्ट के लिए, और देखते हैं यहाँ क्या होता है। वो तो बोले कि 2 या 3 बजे हम अपना रिपोर्ट देंगे आपको, और जांच हो गई है, अब दूसरी जगह जांच करवाना है तो चलते हैं। का ब्लड टेस्ट भी होना है तो सैंपल दे दिया है उधर, और अभी यहाँ ECG हो रहा है इधर पीछे, तो मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं करूँगा कुछ भी, बस आपको बता रहा हूँ जो भी जैसा चल रहा है। और पता चला कि पानी तो प्रॉपर है, बस किडनी में थोड़ा सूजन है, और बच्चे का जो वेट है लगभग 3.7 kg, जो कि कह रही अच्छा है, और थोड़ा सा ज़्यादा भी है, पता नहीं क्या है, क्योंकि मम्मी और दीदी ने बात किया था अंदर जैसा भी है, जितना भी मुझे पता मैं बता रहा हूँ। आज मैं तो अंदर गया भी नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हुई। वैसे आज है सोमवार, तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहा जा रहा है अच्छा दिन है, और कल हो जाएगा मंगलवार, तो कल अच्छा दिन नहीं माना जाता है हम लोगों के यहाँ। तो शायद हो सकता है शायद आज ही ऑपरेशन हो जाए, बाकी कैसा हो डॉक्टर क्या कहती है देखते हैं। आज हम निकले थे नॉर्मल से चेकअप के लिए, और उम्मीद नहीं थी कि ऐसा समय आ जाएगा कि उसी समय ऑपरेशन का सब कुछ कॉल आ जाएगा, तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे हम। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, यह बहुत ही सरप्राइज़ है। और इस समय में हमारा जो इमोशन है क्या कहिए, तो बिल्कुल ही मिक्स्ड इमोशन है, समझ में नहीं आ रहा इस समय कुछ भी। नैन्सी दीदी की जो मम्मी है थोड़ी सी हिम्मत वाली है वह, तो अच्छा हुआ जो वहाँ आ गई, जो हमें बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत कमज़ोर दिल की है और हम भी कुछ ऐसा ही है। उम्मीद करती हैं भगवान जो भी करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं जिया के सामने इतना कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, जिया भी कुछ देर पहले रो रही थी, मैंने कहा रोना नहीं है, या तो खुशी की बात है, जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे वह मोमेंट फाइनली आ गया है। तो जिया को किसी तरह से समझाया बुझाया है, और जिया का उस समय अभी टेस्ट चल रहा है ECG का, तो मैं बाहर आ गया हूँ, इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और इस मोमेंट को, इस समय जो फीलिंग मेरे दिमाग में चल रहा है वह सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिया का एक टेस्ट तो हो गया है, बाकी और क्या क्या टेस्ट है हमें पता भी नहीं, तो कुछ टेस्ट है तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत खुशी, अभी नहीं होगा तो और कब होगा, और तुम्हारा क्या फीलिंग है? जी, और आज तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है, मतलब आज गए थे नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, हमारा प्लान बन गया कि आज ही ऑपरेशन होगा। इस तरह का आज दिन है बुद्ध पूर्णिमा, तो अच्छा दिन है। आंटी से भी बात की, तो मेरी जो छोटी मौसी है, अचानक मोशन आया उसके, आज देखिए सच हो गया, आज से लगभग 6-7 दिन पहले बोले थे। देखते हैं कि बाकी कैसा होता है, भगवान से प्रे कर रहे हैं सब कुछ अच्छा हो, और जब तक यह वीडियो उन लोग के पास जाएगा तब तक हो चुका होगा काम, कोई बात नहीं जी। ये तो बहुत खुश जी, अंदर है
तो मोलू भी आ गया है, मोलू को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आज ऐसा होगा, सरप्राइज ही हो गया। इसको देख करके लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ यही नहीं। किसी जी का भी रिपोर्ट आ गया है जी, सभी कुछ तो नॉर्मल ही बताया जा रहा है। और हम लोग जा रहे हैं अब डॉक्टर के पास, मम्मी और दीदी दोनों वहां पर बैठी हुई है, और छोटा भाई जो मोनू है वह भी आ गया है वहां पर, और मोलू अभी आया यहां पर, आया था बाइक की चाबी लेने के लिए, क्योंकि वहां जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए। मम्मी का घर जो है कुछ किलोमीटर दूर है, वह बरेटा में है और घर है कटिहार में। तो इसकी फुआ भी आ रही है, जिया की मम्मी भी 2 बजे निकल रही है, जिया की मम्मी रोने लगी थी ना, और हमसे भी पूछ रही थी क्या बोला डॉक्टर ने, कैसा बोला, तो सब कुछ समझाया उनको। छोटी मौसी को भी कॉल किया, तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, पूछिए मत कितनी ज्यादा खुशी है, और देखते हैं क्या होता है। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसे सुबह से सब कुछ दिन अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, पूजा पाठ किए आराम से, वैसे जब आ रहे थे तो भगवान जी को पता नहीं मन क्यों किया कि सब कुछ बोल के आए कि सब कुछ ठीक हो, जो भी हो अच्छे से हो, अब जो करना है सब अच्छे से कर दीजिए, ऐसे करके हम बोल के आए थे लड्डू गोपाल को, और देखिए आए तो अभी दिन और बन। जो है बच्चा कितना मतलब शैतान है कि दोनों दादी को साथ लेके आए, मम्मी का कोई प्लान नहीं था आने का, दीदी की मम्मी जो फिर भी वो बोली कि नहीं हम जाएंगे, बोले ठीक है चलिए, हम बोले मम्मी को मम्मी आप भी चलिएगा क्या, क्योंकि माँ जो है बहुत इमोशनल है, बहुत मुझे लगा कि माँ इमोशनल है, अगर डॉक्टर कुछ बोलेगा फिर तो माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगी, और मम्मी जो है थोड़ी सी सहनशील है, मम्मी को भी साथ लेके चलते हैं, इनको बोले तो मम्मी को भी लेके चलना है, देखिए इतना सब कुछ खेल हो चुका है। एक और टेस्ट बाकी रह गया है जी, तो जिया जी यहाँ पर आई हुई है, तो फिर से जिया को ब्लड सैंपल अपना देना पड़ेगा। वहाँ से जो भी सामान है डिलीवरी के लिए, जो भी जरूरत है, जो भी चीज़ का है वो सब लेते आते हैं, कहा गया चम्मच कटोरी और थोड़ा बहुत उसमें गर्म पानी, तो कपड़े ले लेना, दो साड़ी को चार टुकड़ा करके वो ले लेना, अच्छा चम्मच ले लेना, कटोरी एक गिलास, और साबुन डिटोल का या लाइफ जो भी हो, तो यही कहेंगे माँ काली और वहाँ भोलेनाथ को कह के आए हैं आज मेरा दो से 3 होने जा। फाइनली हम आ गए हैं रूम, और कुछ सामान लेना था जो सब बोला हुआ था, तो वह सब सामान हमने यहाँ पर पैक कर लिया है, हड़बड़ी में जितना भी हुआ, उम्मीद करते हैं कि सामान नहीं छूटा होगा, सब कुछ मम्मी से कंफर्म कर लिया था, अब सीधा चलते हैं, चलें। मैं अभी यहाँ सामान लेकर के आया ही था सारा डिलीवरी का, जो भी चीज़ चाहिए था मोनू पहले ही खरीद चुका था, वह खरीद लिया था, और जैसे ही आए हम इंतजार कर रहे थे कि अब ऑपरेशन होगा कुछ होगा, पता चला कि डिलीवरी हो चुकी है, और वह जो नन्ही सी जान है इस दुनिया में है। अभी तक मैं इसका चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, वह अंदर है, अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। 16 मई 2036 वो दुनिया में है, लड़का है या लड़की है अभी नहीं बताएंगे, कुछ देर बाद बताएंगे आप। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि खुशखबरी आ चुकी है, हम क्या हुआ नहीं बताएंगे कि मुझे भी नहीं पता है। तो दीदी सबको आना है अभी, दीदी सब है घर पर ही, और मोनू गया हुआ है लाने के लिए, का पापा भी नहीं था, केवल यही दादी जो इतना दूर से आई है वही छोटी। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता, ब्लॉक स्पेशल अफसर और डॉक्टर ने दो बता दिए।